ओए भूख लग रही है यार बहुत ज्यादा यार, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। हां चटपटा, तेरी लाल किले की कचौड़ियां। चल कुछ खास नहीं है। तेरे को लाल किले की कचौड़ी नहीं पसंद आई? नहीं। चल बॉम्बे की तो कचौड़ी बढ़िया थी, ऊपर ही ऊपर हरी मिर्च। तेरे को बॉम्बे की भी ठीक ठीक लगी? हां असल में सही बताऊं तेरे को पसंद नहीं, पानीपत जैसी जगह होगी। भाई तूने पानीपत की कचौड़ी नहीं खाई? कुछ है पानीपत की कचौड़ियों में? मैंने पानीपत की नहीं खाई। एक का नाम बताइए जो मशहूर हो पानीपत में। भाई चिमन कचौड़ी वाले की तो नाश्ते की दिखाई, कितना मशहूर है वो चिमन कचौड़ी वाला। बढ़िया है ना उसकी? बड़ी लाजवाब, तुझे आज खिला के लेकर आती। चल चला तुझे खिला के लेकर आती। ओनर से हम बात। अंकल जी नमस्ते, आपका नाम? अंकल मुझे पूछना था कि आपकी दुकान कब से? हमारी दुकान कम से कम 80 साल पुरानी दुकान है। अच्छा, मैंने सुना है कि ये दुकान तब से मशहूर है जब से अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। 50 साल पहले वाजपेयी साहब आए थे। तो कैसे एक्सपीरियंस था? रास्ते रहते थे किले पे, आने से 100 की होता था जी, वहाँ पे अपनी सेवा देने के लिए लगातार रास्ते रहते थे। अच्छा तो अंकल मुझे एक बात पूछनी है, मैंने आपकी कचौड़ी खाई, इतनी जायकेदार। मुझे बताइए कि आप ऐसे क्या मसालों का जादू करते हैं? हम अपने हाथ के मसाले कूड़े पर डालते हैं। अच्छा। अपने मसाले खुद बेचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है हम मेडिटेटर नहीं है, मेकर है। अच्छा। एक होता है ना मेडिटेटर, बनाना ट्रेडिंग कर ली, हम खुद बनाते हैं खुद बेचते हैं। 6 महीने पहले तक मैं वहाँ बैठा था, अब मैं बीमार हूँ, उस वजह से हम वहाँ नहीं बैठ पा रहा, नहीं बैठ रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो भाई आई तुझे पसंद है चिमन लाल जी की चूड़ियाँ? मानने वाली बात है, गजब की, एक नंबर आई, पसंद बहुत पसंद आई। तो आज हमने खाई पानीपत की मशहूर चिमन लाल जी की कचौड़ियाँ। तो अगली बार मिलते हैं नए शहर नए जायकेदार खाने के साथ। धन्यवाद।